इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने जो ऑन डिमांड एग्जाम का जो आपने सीट बुक किया एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद, इसके बाद जो है एडमिट कार्ड नहीं आ पा रहा। आप में से बहुतों ने मेरे को कॉल कर लिया है, बकायदा आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिया है, तो सबको रिप्लाई करना और सबका जो है लगभग एक जैसी क्वेरी थी, तो मैंने कहा चलो आपके लिए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इसके लिए जो है आपको इस वीडियो में बने रहना है, तो हम सभी बातों को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो ऑल वाला है उसे जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को सभी को शेयर करो, हर एक ग्रुप जो भी है आपके पास है वहां तक आप शेयर कर दो उसे, ठीक है। और कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखना। साथ ही आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा नंबर है जो दिख रहा है ये मेंबरशिप के लिए है। मेंबरशिप का मतलब होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो, आप 10 जगह भागना नहीं चाहते, आप एक जगह टिकना चाहते हो। तो जब आप एक जगह टिकना चाहते हो तो आपने क्या किया, आपने हमारे साथ मेंबरशिप ज्वाइन किया, 200 पे किया 30 दिनों के लिए। आपको उसके बाद जो है कंसल्टेंट चार्ज हमारा 200 होता है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट हो जाओ। लेकिन जब आपकी छोटी मोटी क्वेरी होती है तो उसको आप जो हमारा ये वीडियो है या किसी और वीडियो पे, इसमें जो है कमेंट बॉक्स है, आप वहां पे जाके वहां पे आप कमेंट कर दो। क्योंकि प्रॉपर जो है अब जितना भी आप देखते हैं जो वीडियो में बनाता हूँ वो मैं कमेंट को ही उठाता हूँ और कमेंट के बेस पे जो है मेरा वीडियो होता है, समझ गए। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना तो कॉल मी 4 ऐप है, वहां से आप मेरे से कॉल कीजिए। 200 देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रोफेशनल रहो, समझ रहे हो, कुछ तो प्रोफेशनल आपको भी बनना चाहिए क्योंकि मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ। तो अब हम लौट आते हैं अपने सवाल की तरफ कि जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आ रहा है। तो इसके रिलेटेड जो है हमारे जो मेंबर्स है उन्होंने भी पूछा, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पूछा, तो चलो कोई नहीं अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो एनएस की जो कंडीशन है ना, एनएस की कंडीशन इस टाइम ऐसी चल रही है कि सबसे पहले कि उनके पास जो है उनको टाइम चाहिए, समझो उनको टाइम चाहिए कि जितनी उनके पास जो सीट बुक हुई है अब उसके लिए वो अपने अरेंजमेंट करें। ये बाकी ईयर की तरह जो नॉर्मल सिचुएशन है वैसा नहीं है, बातों को समझो। तो आप जो परेशान हो रहे हो कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्जाम सीट जो एग्जाम डेट था उसे आपने बुक कर लिया, अब आगे क्या करें, क्या हो गया, क्यों नहीं आया अभी तक, तो 100 बात की एक बात है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सब देखो यहाँ पे मैं आपको निगेटिव नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एनएस बोर्ड का छोटा बोर्ड नहीं है, ये भी अपने जिम्मेदारियों को जानती है, इनके भी अपने जो है मैनेजमेंट है, तो बातों को समझिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं आया है एडमिट कार्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल परसों एक दिन दो दिन वेट कीजिए। अब देखो जरूरत क्या है, आप बोलोगे सर मेरा तो उस डेट को मेरा एग्जाम है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेट कीजिए। अब बात आ जाती है कि ऐसे में अब आपका एग्जाम जो है नजदीक है तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो देखो आपको यहाँ पे ये समझना है कि पहला आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वेट करने के अलावा, इंतजार करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और तो इसके आगे हमें क्या करना है, इंतजार कीजिए बस, और कोई फाइनल जवाब जो है एक फाइनल जवाब यही बनेगा, आप इंतजार कीजिए। क्योंकि अगर एनएस ने जो है आपकी सीट बुक की है तो आप बेफिक्र रहिए, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप कंटिन्यू अपने डैशबोर्ड में जाके चेक करते रहें, समझ गए। तो बेकार का परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है जरा सा अभी जो है समझते हुए चलो, क्योंकि ये जो 2020 जो है ये बाकी ईयर की तरह नहीं है, समझ गए। चलिए तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और कुछ आपके कमेंट रह गए हैं आप जो मुझसे जानना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पे जो है वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका जवाब तो मैं आपको दे ही देता हूँ, बाकी वीडियो बना ही देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।